और केंद्र के कृषि कानून से अलग छत्तीसगढ़ में अलग कानून बनेगा, ये फैसला रायपुर में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और उसके साथ ही धान खरीदी पर मंत्रिमंडलीय समिति के फैसले लेने पर मोहर लगाई गई। जबकि कैबिनेट ने ज्वेल दर में संशोधन, पादप बोर्ड में बेगांव के पारंपरिक उपचार को शामिल करने और खाली भूखंडों को अन्य उद्योगों को देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने औद्योगिक नीति में परिवर्तन, एसटी एससी एक्ट के लिए अलग से पैकेज कर भी मोहर लगाई है और साथ ही फैसला लिया गया है कि राज्योत्सव सादगी से मनाया जाएगा, जिसमें केवल अलंकरण समारोह होगा। जो लगने वाले उद्योग हैं, उनके लिए दो तीन मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय करके कुछ निर्णय ऐसे लिए गए हैं ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और नए इंडस्ट्री आ जाए। पहला है अतिशेष भूखंडों को निरस्त, माने कई उद्योग जो है भूखंड ले लेते हैं और उसके बाद अगर उद्योग वहाँ स्थापित नहीं कर पाए तो उनको अन्य उद्योगों को हस्तांतरित करने का संदर्भ में एक निर्णय हुआ है। दूसरा, बायोएथेनॉल का जो छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने एमओयू किया है 4 प्लांट का, आने वाले समय में इसमें और विस्तार की संभावनाएं हैं, तो उनको हम लोगों ने उद्योग नीति में निर्णय लिया था कि जो इंसेंटिव देना है अर्ली बर्ड इंसेंटिव, 6 महीने में वो स्थापित करेंगे तब हम देंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन इस अवधि को लगभग 18 माह उनके इकाई के उत्पादन में 18 महीना हम लोगों ने 6 महीना के स्थान पर उसको 18 महीना किया। मरवाही